हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गल्फ सब की दुनिया में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूं बहुत सारी गल्फ कंट्री की जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके। तो वीडियो को पूरा देखे, आखिर तक देखे ताकि कोई वैकेंसी मिस ना हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों बात करें आज की सबसे पहली वैकेंसी के बारे में, तो सऊदी अरेबिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। लीडिंग कोरियन कंट्रैक्टिंग कंपनी है, इसको चाहिए कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यूसी इंस्पेक्टर। अगर आपके पास सेम फिल्म एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एंड डॉक्यूमेंट लेकर मुंबई में लोकली अवेलेबल है, तो एशिया पावर के ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर दे। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। लीडिंग कंपनी है, इसको चाहिए एचवीएसी टेक्नीशियन, चिलर ऑपरेटर या टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल फोरमैन, एचवीएसी फोरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, बीएमएस ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल टेक्नीशियन, आईटी टेक्नीशियन, कारपेंटर, मार्बल टेक्नीशियन, पेंटर, मैकेनिकल फोरमैन, लो वोल्टेज फोरमैन। अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना सीवी एंड डॉक्यूमेंट लेकर मुंबई, बड़ौदा, चेन्नई, कोचीन में लोकली अवेलेबल हैं, तो एशिया पावर के ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर दे। चलिए बढ़ते रहे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो सऊदी अरेबिया के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। नासिर अल्जरी कंपनी है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, इसको चाहिए सैंड ब्लास्टर स्प्रे पेंटर। इसका क्लाइंट इंटरव्यू जूम पे होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 6 अप्रैल तक चलेगा। अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बायोडाटा, पासपोर्ट लेकर मुंबई, चेन्नई, वर्धा, कोचीन में लोकली अवेलेबल हैं, तो एशिया पावर के ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर दे। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो यूएई के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, इसको चाहिए कंटेनर इंस्पेक्टर, मल्टी स्किल वेल्डर एंड कारपेंटर। एंड अगला वैकेंसी यूएई के लिए है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, इसको चाहिए मल्टी टेक्नीशियन सिविल। अगर आपके पास सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करके अप्लाई कर दी, और जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई, लॉन्ग टर्म जॉब रहेगा, इसको चाहिए पेंटिंग सुपरवाइजर, रिफैक्ट्री सुपरवाइजर, एनालाइजर टेक्नीशियन, लीड एनालाइजर टेक्नीशियन, लीड फैब्रिकेटर, लीड इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, लीड हाइड्रोजेट टेक्नीशियन, लीड इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। एंड इसको चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, लीड ओवरहेड क्रेन टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन ऑफशोर के लिए, वेल्डर ऑफशोर के लिए, लीड फैब्रिकेटर, लीड हाइड्रोजेट टेक्नीशियन, मीटरिंग टेक्नीशियन। अगर आपके पास सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करके अप्लाई कर दो, जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसको चाहिए फायर वाचर 25 लोग, असिस्टेंट प्लांट ऑपरेटर 10 लोग, वेल्डर आर्क एंड मिग 10 लोग, फैक्ट्री हेल्पर 30 लोग। अगर आपके पास सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है और फ्रेशर भी हैं तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसका वर्किंग इंटरव्यू 3 और 4 अप्रैल को होने वाला है मुंबई में टैलेंट रियो ऑफिस में। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपना सीवी एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल आईडी jn@talentrio.com पर सेंड करके अप्लाई कर दी, और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो यह कतर गवर्नमेंट के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसको चाहिए पेट्रोलियम मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नीशियन, ऑटो वेल्डर, लेट टर्नर टेक्नीशियन, कार पेंटर, ऑटो डेंटर, ऑटो अपहोल्स्ट्री। अगर आपके पास सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करके अप्लाई कर दे। इसका इंटरव्यू मई में होगा मुंबई, दिल्ली, कोचीन में, तो जल्द से जल्द अप्लाई करने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो कतर गवर्नमेंट के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसको चाहिए एसी टेक्नीशियन, एचवीसी चिलर, कारपेंटर, मेसन बिल्डर, ब्लैक स्मिथ पेंटर। अगर आपके पास सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना सीवी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, वैक्सीन सर्टिफिकेट की कॉपी एक पीडीएफ फाइल में अटैच करके दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड करके अप्लाई कर दे। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, सडन जॉब रहेगा, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, इसको चाहिए सीईपी, एचएससी ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक लीड, मटेरियल कंट्रोलर, सुपरवाइजर मैकेनिकल, स्टोर कीपर, प्रोग्रेस ट्रैकर, कोऑर्डिनेटर वाल्व, सुपरवाइजर स्टोर, ऑथोराइज गैस टेस्टर, होल वाचर, इलेक्ट्रीशियन, फायर वाचर,
फोकलिफ्ट ऑपरेटर, जनरल हेल्पर या क्लीनर, इंडस्ट्रियल क्लीनर, मशीनिस्ट, फोरमैन मैकेनिक, फोरमैन वेल्डिंग, मैकेनिकल हेल्पर, फैब्रिकेटर पाइप, रिगर, फोरमैन रिगिंग, फिटर पाइप, मैकेनिकल फिटर, फ्लाइंग टेक्नीशियन, FTI, वेल्डर। अगर आप सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV एंड डॉक्यूमेंट मुंबई में है तो इस दिए गए ईमेल एप्लीकेशन के अप्लाई करते हो, जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। अगर आप चेन्नई में और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल एप्लीकेशन के अप्लाई करें और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। बड़ौदा में और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल एप्लीकेशन के अप्लाई करें और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। अगर आप कोचिंग में और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल एप्लीकेशन के अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। दिल्ली में और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल एप्लीकेशन के अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है IVS शिपयार्ड मरीन इंडस्ट्री है और हमको प्रोजेक्ट रहेगा, इसको चाहिए QA QC मैनेजर, HSC मैनेजर, ENI मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्टर, QC टेलीकम्युनिकेशन इंस्पेक्टर, ENI QC सुपरवाइजर, HSC सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, रिगर 1, पेंटर कम ब्लास्टर, स्टोर मैन मैकेनिक। अगर आपके पास सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV, पासपोर्ट, एजुकेशन वैक्सीन सर्टिफिकेट की कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी दिए गए एप्लीकेशन का अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, यह मुंबई एंड ओवरसीज ऑफिस के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है जिसका इंटरव्यू भुवनेश्वर में होने वाला है। इसको चाहिए ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सोर्सिंग ऑफिसर या टीम लीडर, क्लाइंट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, मोबिलाइजेशन ऑफिसर या टीम लीडर, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेलीकॉलर। अगर आपके पास सेम फिल्म एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना रिज्यूमे दिए गए ईमेल एप्लीकेशन के अप्लाई कर दे। चलिए बढ़ते रहे अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो मुंबई ऑफिस के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसको चाहिए अकाउंटेंट। अगर आप उड़ीसा से हैं तो इस जॉब का अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना CV दे, ईमेल एप्लीकेशन का अप्लाई कर दे। अप्लाई करते समय ये जो कोड दिया गया है, रेफरेंस नंबर सब्जेक्ट लाइन में जरूर मेंशन कर दे। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई रेपिड स्टील इंडस्ट्री है, इसको चाहिए असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट मैनेजर, डिजाइन इंजीनियर स्टैटिक इक्विपमेंट, डिजाइन इंजीनियर पाइपिंग, प्रोजेक्ट इंजीनियर। अगर आपके पास सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV, पासपोर्ट, एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी दिए ईमेल एप्लीकेशन की अप्लाई कर दी और जानकारी के लिए दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो मान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, इसको चाहिए वर्क परमिट रिसीवर। अगर आपके पास 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और PDO अप्रूव्ड है तो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना CV, पासपोर्ट, एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी दिए गए ईमेल एप्लीकेशन के अप्लाई कर दे और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसको चाहिए प्रोडक्शन सुपरवाइजर। अगर आपके पास सेम फील्ड में एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV, पासपोर्ट, एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी दिए गए ईमेल एप्लीकेशन का अप्लाई कर दी और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो ओमान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई रेपिड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, इसको चाहिए मैकेनिकल सुपरवाइजर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, HVAC टेक्नीशियन, मोटर वाइंडर, किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियन, पेंटर, HV इलेक्ट्रीशियन, लॉन्ड्री टेक्नीशियन, प्लम्बर। अगर आपके पास सेम फिल्म एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV, पासपोर्ट, एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी दिए गए ईमेल एप्लीकेशन का अप्लाई कर दी और जानकारी के लिए दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। चलिए बढ़ते रहे अगले वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, तो कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसको चाहिए असिस्टेंट डेवलपमेंट मैनेजर, डेवलपमेंट इंजीनियर, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन, स्विच गियर एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, स्विच गियर एंड ऑटोमेशन इंजीनियर लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर मैनेजर, ट्रांसफार्मर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ट्रांसफार्मर इंजीनियर मैकेनिकल, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन ट्रांसफार्मर, क्वालिटी MB स्विच गियर टेस्टिंग इंजीनियर, PMD। अगर आपके पास सेम फिल्म एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना CV एंड डॉक्यूमेंट दिए गए ईमेल एप्लीकेशन के अप्लाई करते हो, जानकारी के लिए दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना वैकेंसी, फिर मिलेंगे अगला वैकेंसी के वीडियो के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। आप अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दे। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली हम इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो।